नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली का टाइम आने वाला है और ऐसे में घरों की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, घरों की साफ सफाई करते समय एक सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने आकर खड़ी होती है वो ये होती है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर के जो फर्नीचर है उन पर दीमक लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये दीमक इतनी ज्यादा क्रांतिकारी होती है कि यह पूरे फर्नीचर को चट कर जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी दीमक को खत्म करने के कुछ आसान से घरेलू उपाय आपको बताने वाले हैं, जिससे दीमक से आप अपने फर्नीचर को बचाकर रख सकते हैं और घर के कोनों को इससे बचाकर रख सकते हैं। दोस्तों, दीमक दिखने में चींटी के जैसे सफेद रंग के कीट होते हैं। आमतौर पर ये नमी और अंधेरी जगह पर ही पनपते हैं। ये इतने नुकसानदायक होते हैं कि मजबूत से मजबूत फर्नीचर को भी कुछ ही दिनों में चट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार तो ये दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये अंदर ही अंदर फर्नीचर खाते रहते हैं और पता भी नहीं चलता। दोस्तों, लकड़ी के अलावा ये कॉपी किताब को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी अलमारी दीवार से चिपका कर रखी हुई है आपने, तो हो सकता है कि अब तक दीमक ने उसे अपना घर बना लिया हो। यूं तो बाजार में टर्मिनेटर नामक कीटनाशक मौजूद है जो खास तौर पर दीमक को मारने में काम आता है, पर आप चाहे तो कुछ घरेलू उपाय अजमा सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जिसके जरिए भी आप दीमक को आसानी से अपने घर से दूर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपको अपने घर के आसपास कहीं भी पानी नहीं जमने देना है। इस बात का खास तौर पर आप ध्यान दें। नाली और गटर की सफाई कराते रहनी चाहिए। ऐसा करने से आपके कोनों में या घर के कहीं भी स्थान पर नमी नहीं होगी, और जब नमी नहीं होगी तो दरअसल दोस्तों, दीमक नमी वाली जगह पर ज़्यादा पनपते हैं, इसलिए नमी वाली जगह अपने घर में कहीं भी ना रहने दें। दूसरे उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, घर में समय समय पर आपको पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव करवाते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पर मानसून के समय आपको पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव कराना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा, अगर आपके लकड़ी के फर्नीचर में छोटे छोटे सुराग आकर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि ये दीमकों का आक्रमण है। कई बार आपके फर्नीचर के आसपास आपको पाउडर जैसा कुछ नजर आएगा, ये इस बात का सूचक होता है कि आपके फर्नीचर में दीमक लग चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, फर्नीचर को कुछ दिन आप धूप में जरूर सुखाएं और दीमक रोधी घोल को फर्नीचर पर अच्छी तरीके से स्प्रे करें। इससे आपके फर्नीचर में जितने भी दीमक लग रहे हों वो दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात, सूरज की जब तेज किरणें आपके फर्नीचर पर पड़ेंगी तो फर्नीचर पूरी तरह से सूख जाएगा, और ये भी जो फर्नीचर के अंदर जितनी भी नमी होगी उसको आसानी से दूर कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, स्प्रे करने के बाद अगर आपके मन में शंका बनी हुई है तो आप फर्नीचर को पेंट भी करवा सकते हैं। कई बार होता है कि स्प्रे करने के बावजूद हमारे मन में शंका होती है कि अभी भी शायद दीमक वापस आ सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप पेंट करवा लेंगे तो यह भी दीमक को काफ़ी हद तक दूर रखेगा और दोबारा आने से रोकेगा। तो दोस्तों, यही थे वो आसान से उपाय जिनको आप अपनाएं, ये यकीनन दीमक को दूर करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।